देखिए आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग बिजी के अंदर अपने जीएसटी सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले दो सेशन के अंदर हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सीखा, फिर हमने रजिस्ट्रेशन सीखा। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजी के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हैं तो। आप सभी को पता होगा कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम बिजी को दोबारा अगेन ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा बिजी जो था वो एसक्यूएल मोड पर था और एसक्यूएल मोड थोड़ा सा डिफरेंट मोड होता है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें अगेन क्या करना है, क्रिएट कंपनी पर जाना है। जब भी आप पक्के की, जिसे हम लोग ओरिजिनल कंपनी या पक्के की कंपनी बोलते हैं, जब आप ऐसी कंपनी बनाते हैं तो कंपनी की हर चीज़ों को इम्पोर्टेंट देके बनाना, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रिंट पर आती हैं। जैसे मुझे कंपनी बनानी है, उस कंपनी का नाम है सुपर ट्रेडिंग कंपनी, तो कंपनी का नाम है सुपर ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद उस कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो टाइप कर दूंगा, स्ट्रीट नंबर 4, दिल्ली 31। कंपनी का जो भी आईटी पैन कार्ड हो, सपोज करो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है और मैं इसी प्रोजेक्ट को ऑन कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ से ऑन करा और यहीं से मैं उस पार्टी का जीएसटी नंबर के अंदर से पैन नंबर कॉपी कर लेता हूँ। पैन नंबर कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप कर दूँगा BMTPS1344D, कंपनी का वार्ड एरिया, कंपनी का टेलीफोन नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी, और उसके बाद ध्यान से कंपनी का जो भी जीएसटीएन नंबर हो हम वो टाइप कर देंगे। जीएसटी नंबर आप सभी को बता होगा 15 डिजिट्स का होता है, 07FSNPS4890C1Z6। हम यह रेगुलर रखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीएसटी में दो तरह के पर्सन होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन, एक रेगुलर एक कंपोजिशन। हमने यहाँ रेगुलर करा और इसको सेव कर लिया। जैसे ही हमने इसको सेव कर तो हमारी कंपनी बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब तक कंपनी बन रही है हम अपने डाटा को ध्यान से समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ परचेज का डाटा है, इस डाटा के अंदर सबसे पहले डेट गिवन है, फिर हमें इनवॉइस नंबर गिवन है, जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है वो गिवन है, पार्टी का नाम गिवन है, आइटम का नेम गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, जीएसटी नंबर गिवन है, रेट गिवन है, एजेसन गिवन है और यूनिट गिवन है। तो उस केस में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ें हमें काम करना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की है। क्यों सर, उसका जीएसटी नंबर 07 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जिस पार्टी से हम लोग माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का जीएसटी नंबर 06 का है। इसका मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ वो पार्टी किसी दूसरे स्टेट की है, और जब दूसरे स्टेट की बात आती है तो उस केस के अंदर हम लोग क्या चार्ज करते हैं, IGST चार्ज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, IGST चार्ज करते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो हम क्या चार्ज करेंगे, CGST + SGST चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे हम लोग, CGST + SGST चार्ज करेंगे। चलते हैं देखते हैं, वेट करते हैं, हमारी कंपनी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कि कंपनी हमारी सेफ हो गई, उसके बाद जो भी हमारी कंपनी का सुपर यूजर पासवर्ड होगा वो टाइप कर दूंगा। जब ये टाइप हो जाएगा उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आना है परचेज पर और इंटर।
सबसे पहले हमें डेट देखनी है। हमने जो काम करा है वो जुलाई मंथ का है, तो हम यहाँ पर जुलाई मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी वाउचर नंबर है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए ऑल्ट वी। उसके बाद हमें मिलता है टाइप। टाइप हम सभी जानते हैं क्या होता है। अब थोड़ा रुकना है और फिर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम पार्टी का नाम देखा था। पार्टी का नाम से हमें कोई मतलब नहीं, पार्टी का जीएसटी नंबर 06 का है, मतलब पार्टी दूसरे स्टेट के। तो इसमें हम क्या चार्ज करेंगे? आईजीएसटी चार्ज करेंगे। आईजीएसटी चार्ज तो करेंगे लेकिन टैक्स रेट कितने परसेंट है? 18। तो क्या ले लेंगे? आईजीएसटी 18%। उसके बाद जो भी हमारी पार्टी का नेम होगा हम वो पार्टी का नेम यहाँ बनाएंगे। पार्टी का नाम है A2Z ट्रेडिंग एंड सेल्स एजेंसी, ग्रुप में सेंड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद उस पार्टी का जो भी स्टेट हो, पार्टी का स्टेट था 06। 06 कहाँ का होता है? सर हरियाणा का होता है। सपोज करो हमें स्टेट नहीं पता हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम इस एरो पर जाएंगे, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर पे आएंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे? मास्टर, फिर मिसलेनियस स्टेट लिस्ट चेक करेंगे। और 06 जो था वो मेरा हरियाणा का था, यहाँ से देखिए मुझे पता चल जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये चीज़ें हमें याद रखनी है। दूसरा, अगर आप चाहो तो इनकी शॉर्टकट की बना सकते हैं। क्लियर है? ऑल्ट कंट्रोल ए, फिर मास्टर, फिर मिसलेनियस। तो एम दबा दो, मिसलेनियस स्टेट और फिर लिस्ट आप निकाल सकते हैं। यहाँ हरियाणा का है तो मैं यहाँ हरियाणा टाइप कर देता हूँ। उसके बाद पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर हो वो टाइप मुझे कर देना है। और मैंने यहाँ से ओ टाइप कर दिया। क्लियर है? देखिए जैसे ही मैंने यहाँ टाइप करा जीएसटी नंबर तो ऑटोमेटिक यहाँ पैन कार्ड नंबर आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ से मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को ऑन करना है और मेंटेन बिल बाय टॉपिक को नो करना है और यहाँ से इसको सेव बटन पर क्लिक कर देना। मेरी पार्टी बन गई। उसके बाद आता है मटेरियल सेंटर। आप सभी जानते हैं मटेरियल सेंटर का मतलब होता है जिस लोकेशन में माल को रखना होता है। यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है ITC एलिजिबिलिटी। ITC एलिजिबिलिटी का मतलब होता है क्या जो प्रोडक्ट मैं यहाँ खरीद रहा हूँ और जो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूँगा क्या उस टैक्स का मुझे रिफंड मिलेगा? क्या उस टैक्स का रिफंड मुझे मिलेगा? अगर मिलेगा तो मैं यहाँ पर इनपुट गुड्स एंड सर्विस ले लूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं नॉन कर दूँगा। फिलहाल मुझे इनपुट मिलेगा तो मैं इनपुट गुड्स एंड सर्विस कर दूँगा। उसके बाद जो भी मेरी आइटम का नेम होगा वो मैं आइटम का नेम यहाँ टाइप कर दूँगा। आइटम का नेम टाइप करने के लिए यहाँ पर मैं आऊँगा। आइटम का नेम है C2D। इस नेम को कॉपी करूंगा और वहां जाके F3 करके ऑल कंट्रोल वी करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यूनिट मेरी पीस है तो मैं पीस ले लूंगा। और इसके अंदर ध्यान से आप सभी को पता हो किसी चीज को मॉडिफाई करना होता है बीजी में तो उसकी शॉर्टकट होती है Alt+M। और इसको हमेशा यूनिट क्वांटिटी कोड में पीस स्लेस पीसेस होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट पिक कर लेता बट हमें एक बार चेक करना चाहिए क्या हम सही कर रहे हैं। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। और उसके बाद आती है टैक्स रेट। हम जानते हैं इस प्रोडक्ट में 18% टैक्स है तो हमें कितने परसेंट टाइप कर देंगे? 18%। इसके बाद हमें HSN कोड मिलेगा और जो भी हमारा HSN कोड होगा हम यहाँ टाइप कर देंगे। HSN कोड जो यहाँ पर हमें गिवन है वो HSN कोड गिवन है 9607। सर HSN कोड का मीनिंग, HSN कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, 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 हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। आप बोलिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर।
क्लियर है सर, इसका मीनिंग क्या है हमें ये क्लियर कर दीजिए। मीनिंग क्या होता है इसका, नाम आपने सुना होगा, क्या कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्टेपलर कहते हैं। आप इसे स्टेपलर जानते हो, गवर्नमेंट स्टेपलर के नाम से नहीं जानती, गवर्नमेंट इसको एक कोड के नाम से जानती है जिस कोड का नाम है 9607। क्यों गवर्नमेंट ऐसा रूल क्यों अप्लाई करा, क्योंकि एक क्लास में दो नाम के बच्चे हो सकते हैं। सर ये स्टेपलर छोटा है, स्टेपलर बड़ा होगा तो क्या होगा, स्टेपलर बड़ा, स्टेपलर का मिनिमम साइज होगा, मैक्सिमम लार्ज, ऐसे नाम बनाए। गवर्नमेंट ने कहा मैं नहीं जानता ये लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, हाई है, क्या है, मैं इसका एक नाम दे रहा हूँ जिसका नाम है 9607। जब भी कभी इस वर्ड को सुनो तो समझ जाना स्टेपलर है। तो गवर्नमेंट हमें एचएसएन कोड किस लिए देती है, किसी आइटम को बताने के लिए, क्योंकि रोल तरी ऐसा, ये इसलिए गवर्नमेंट करती है क्योंकि इस प्रोडक्ट को मुझे वर्ल्ड के साथ लिंक करना है। मैं इंडिया की बात करूं 960 तो स्टेपलर, यू अदर कंट्री में बात करूं तब भी इस प्रोडक्ट को सेम रखा गया। क्लियर है, मतलब ग्लोबलाइज हम सिस्टम में जुड़ रहे हैं, चाहे मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूं तो कोड से पता कर सकूं, उस केस के लिए एचएसएन कोड आया। सर मेरा काम गुड्स बेचने का नहीं, मैं सर्विस देता हूं, मैं पढ़ाता हूं सर, मैं सोशल वर्कर हूं, मैं अलग अलग काम करता हूं, सर्विस देता हूं। एक बंदा दो ही काम करता है, किसी को माल बेचना, ये ले जाओ प्रोडक्ट है, या किसी को सर्विस देना। कोई तीसरा वर्क आपके माइंड में नहीं आता, कोई बिजनेस तीसरा समझ ही नहीं आएगा आपको, बिजनेस दो ही है। आपने जीएसटी की फुल फॉर्म क्या सीखी थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर, वस्तु मतलब आइटम और सेवा मतलब सर्विस, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तो जीएसटी किन पर एप्लीकेबल होता है, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स के लिए तो एचएसएन कोड बन गया हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, और एसएसी के लिए बन गया सर्विस अकाउंट कोड, सर्विस अकाउंट कोड, सर्विस अकाउंट कोड, क्या हो, सर्विस अकाउंट कोड। क्लियर है अभिषेक, इसके पास जाना क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया। एचएसएन कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर जो किसी गुड्स के लिए होता है, सर्विस जो किसी सेवा के लिए होती। अब देखो आपका गुड्स है तो गुड्स का नंबर डाल दो, गवर्नमेंट उससे खुद पता कर लेगी गुड्स है सर्विस है। क्लियर, आपको जो भी काम हो वो कोड यहाँ डालना है। एचएसएन कोड का एक फॉर्मेट होता है, अगर आपका लास्ट ईयर ईयर का टर्न अंडरस्कोर ओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, कम का है तो नीड नहीं है, लिख देता हूं, लास्ट ईयर टर्न ओवर अप टू 1.5 करोड़, तो मुझे एचएसएन कोड की नीड नहीं है। अगर मेरा पिछले साल की सेल हो गई 1.5 करोड़ रुपए से नीचे की होती है तो मेरे को एचएसएन कोड शो करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का है तो मुझे एचएसएन कोड शो करना है, कितने, स्टार्टिंग टू हाँ 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक। दिव्या दोनों हाथों का यूज करो, ठीक है, 2 digits, ओके। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, 5 करोड़ अबव, तो उस केस में 4 या फिर मोर। बेसिकली एचएसएन कोड 10 अंकों के होते हैं। गवर्नमेंट ने कहा आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे मत दीजिए, ज्यादा है 5 तक है तो 2 दे दीजिए, और उससे ज्यादा है तो 4 या 4 से ज्यादा, क्लियर है, दे सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम्स, आगे बढ़ सकते हैं।
बीजी में किसी भी चीज को सेव करना होता है तो उसका क्या होता है, यहां से इसका सेल प्राइस देखिए 300 और परचेज प्राइस 200। काम खत्म। सेव करने के लिए F2 दबा दीजिए या सेव बटन पर क्लिक कर। कितनी क्वांटिटी 500, तो 500 टाइप कीजिए। उसके बाद ये आइटम का नेम, इसको कॉपी कीजिए, F3 कीजिए, कंट्रोल V कीजिए, टैक्स कितने परसेंट 18, HSN कोड 300 200 F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी 500। क्लियर है। फिर अगेन F3 कीजिए, कॉपी कीजिए, पीस टाइप कीजिए, 18% टाइप कीजिए, 960 300 200 और सेव कर 500। कॉपी कीजिए, पीसेस लीजिए, 18% 300 200 और F2 करके सेव। कितना 500। ओके, F2 से नीचे आ जाइए, अपने कीवर्ड से क्या दबा दीजिए F4। जैसे F4 करेंगे IGST ऑटोमेटिक लग गया। देखिए माल 4 लाख का था, 72,000 रुपये आपने टैक्स उस पार्टी को दिया है। टोटल कितना माल पैसा पे करेंगे उसको, 4,72,000। अरे क्या हुआ आप लोगों को, क्यों आवाज कर रहे हैं, समझ गए? और इसको सेव कर दीजिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आ गया समझ में? चलिए एक एंट्री और सीख लेते हैं आपके साथ। पार्टी का नाम क्या है, आर्य कृष्ण, डेट 2/7, बिल नंबर दिस, टैक्स रेट आप देखिए कितने परसेंट टैक्स रेट है, टैक्स रेट 18% है। पार्टी कहाँ की है, दिल्ली की, कैसे बदला एसएन कोड 07 से, तो क्या लिख दूंगा 18 और लोकल पार्टी बना लेता हूँ यहाँ से मैं ग्रुप में, संडी क्रिएटर्स, दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली रखूंगा, CZPPK 6788R1ZX 9 और से। क्लियर है। उसके बाद आइटम बना लीजिए, F3 कीजिए और टाइप कर दीजिए, क्लियर 18 9, अच्छे से कोड देखिए 7 8, ठीक है 450 एंड 550 सेफ। कितना 400 और ठीक, क्लियर है। ऐसे ही हो जाएगा, F2 से नीचे आना है और अपने कीबोर्ड पे क्या दबा देना है F4। तो देखिए CGST और GST ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा और इसको आप F2 करके सेव कर दीजिए। क्लियर है।